नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। दिल्ली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 1 सितंबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से चार बहुत ही बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और उसके अलावा भी क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज को लेकर, जहां पर इस सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 मुकाबला भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेला जाएगा। जी हां, यहां पर टाइमिंग दोबारा से बदल दी गई है। पिछला मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 6:30 बजे से खेला गया था, लेकिन यह मुकाबला रात के 10:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत जाती है तो इंग्लैंड की 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लेगी, वहीं अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो 1-1 से यह सीरीज बराबर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड दौरे को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 4 सितंबर से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत होने के लिए जा रही है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो पहले अपने स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन फाइनली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं इनकी टीम पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं T20 टीम की, तो इस टीम के पास इस टीम के कप्तान योन मॉर्गन, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनी बेस्टो, टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स, जोश बटलर, सैम कुरन, टॉम कुरन, जोए डेनली, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलन, आदिल रशीद और मार्क वुड। तो कुछ ऐसी 14 सदस्यीय टीम यहां पर T20 सीरीज के लिए होने वाली है, वनडे सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम लगभग सेम ही रहने वाली है, दो बदलाव देखने को मिलेंगे। यहां पर डेविड मलन और क्रिस जॉर्डन को बाहर कर दिया जाएगा, उनकी जगह पर जोए रूट और यहां पर क्रिस वोक्स, इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे टीम में एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर और आप सभी को बताएं कि जैसे ही सुरेश रैना आईपीएल 2020 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर हुए, उसके जस्ट बाद चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर एन श्रीनिवासन ने सुरेश रैना के इस डिसीजन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट आप सभी लोगों को साइड में दिखाई दे रहा होगा, जहां पर उन्होंने सुरेश रैना के इस डिसीजन की पूरी तरह से आलोचना की थी और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा था कि यहां पर खिलाड़ियों को सक्सेस होने के बाद उनके अंदर घमंड आ जाता है, पैसों का भी यहां पर सुरेश रैना को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन उसके बाद आज दोबारा से यहां पर इस टीम के ओनर एन श्रीनिवासन ने एक और स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि हम पूरी तरह से सुरेश रैना के साथ, और जो मैंने पिछला ट्वीट किया था, पिछला स्टेटमेंट दिया था, उसका यहां पर सोशल मीडिया पर एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, उसको अलग नजरिए से बताया जा रहा है। हालांकि मेरा इंटेंशन यहां पर कुछ ऐसा कहने का बिल्कुल भी नहीं था और चेन्नई सुपर किंग टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से सुरेश रैना के साथ है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के फाइनल शेड्यूल को लेकर। जी हां, आईपीएल की शुरुआत में अब महज 18 दिन बचे हुए, लेकिन शेड्यूल अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, जिसके चलते आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली 8 फ्रेंचाइजियां टेंशन में है, पूरी तरह से यहां पर शेड्यूल का इंतजार कर रही है। और कल यहां पर 8 फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा, जहां पर आईपीएल 2020 के शेड्यूल को जल्द से जल्द लॉन्च करने की यहां पर मांगे सभी फ्रेंचाइजी कर रही है। हालांकि मैंने आप सभी को बताया था कि कोविड-19 केसेस के आने की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के शेड्यूल को होल्ड पर रख दिया था, लेकिन अब यहां पर सभी फ्रेंचाइजियां बीसीसीआई पर आईपीएल 2020 के फाइनल शेड्यूल को लॉन्च करने के लिए प्रेशर बना रही है। तो ऐसे में हमें अब जल्द ही आईपीएल 2020 का फाइनल शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सुरेश रैना को लेकर। आप सभी को पता है कि सुरेश रैना यहां पर आईपीएल 2020 से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को रैना की रिप्लेसमेंट की यहां पर काफी सख्त जरूरत है। लेकिन यहां पर आप सभी
सभी को बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम के प्रो ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। जी स्टेटमेंट को आप सभी लोग साइड में देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम को सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है और नंबर तीन पर महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलना चाहिए। हालांकि उन्होंने यहां पर इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि सुरेश रैना की जगह पर महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2020 में नंबर तीन पर हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल फैंस को थोड़ा सा निराश जरूर करने वाली, क्योंकि एक तरफ जहां चेन्नई सुपर किंग्स में 13 सदस्य कोविड 19 पॉजिटिव मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ कल भारत से स्टार स्पोर्ट्स की टीम आईपीएल 2020 की ब्रॉडकास्टिंग के लिए रवाना होने वाली थी, वहां से निकलने वाली थी, लेकिन वहां पर स्टार स्पोर्ट्स टीम मैनेजमेंट का एक सदस्य कोविड 19 पॉजिटिव मिला, जिसके चलते स्टार स्पोर्ट्स की टीम आईपीएल 2020 के लिए अभी तक यूएई नहीं गई है। उनकी फ्लाइट को यहां पर पोस्टपोन किया गया है। अब 6 सितंबर को स्टार स्पोर्ट्स की टीम यूएई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर है आईपीएल 2020 के कैंसिलेशन को लेकर। जी हां, फिलहाल सोशल मीडिया पर और काफी सारी न्यूज की वेबसाइट पर एक आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड 19 पेंडेमिक के चलते आईपीएल 2020 को कैंसिल कर दिया जाएगा। आईपीएल 2020 अब यहां पर नहीं होने वाला, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह खबर पूरी तरह से टोटली फेक है। जी हां, सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद इसके ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि अभी तक आईपीएल 2020 की तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों से चल रही है और आईपीएल 2020 की होस्टिंग में अभी तक किसी भी टाइप की कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि केवल दो ही खिलाड़ी यहां पर कोविड 19 पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अगर किसी अनदर फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके बाद यहां पर आईपीएल 2020 पर संकट के बादल बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, और सीएसके फैंस को यह खबर थोड़ी सी निराश जरूर करने वाली है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज 1 सितंबर को भारत से हरभजन सिंह आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन इनसाइड स्पोर्ट्स की आप एक रिपोर्ट साइड में देख पा रहे होंगे, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड 19 पेंडेमिक के डर के चलते हरभजन सिंह आईपीएल 2020 से बाहर हो सकते हैं। हालांकि यहां पर अभी तक ऑफिशियली चेन्नई सुपर किंग टीम मैनेजमेंट और यहां पर बीसीसीआई की तरफ से और साथ ही साथ हरभजन सिंह की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन यहां पर ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि सुरेश रैना पहले ही बाहर हो चुके और हरभजन सिंह भी यहां पर बाहर हो जाते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स हमें थोड़ी सी वीक यहां पर जरूर लगने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। जी हां, आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी नई बस को दिखाया। जी हां, उनकी बस को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिखने में बहुत ही लाजवाब ये बस लग रही है। इनसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी बस दिखाई थी जो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की बस को देखने के बाद मेरा दिल यहां पर गार्डन गार्डन हो गया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बस दिखाई दे रही है। बहुत ही बेहतरीन लुक इस बस को दिया गया। इस बस के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये है आज 1 सितंबर 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।